हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो आज कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं और टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। मुझे पता है थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। कहीं सिर्फ मैथमेटिकली लिख के छोड़ दिया गया, कहीं ये कह दिया गया कि गिब्स फ्री एनर्जी द फंक्शन ऑफ एंथैल्पी एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। बहुत सारी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया। आज हम गिब्स फ्री एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे और इसको एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने की कोशिश करेंगे, ना कि मैथमेटिक्स में घुसेंगे और ना ही हम इसको समझने के लिए बहुत हार्डकोर इंग्लिश का यूज करेंगे जहां बहुत बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखे गए होते हैं। हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में करेंगे ना। इसको समझने के लिए आपको एक हल्का सा मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको प्लस और माइनस करना आना चाहिए, यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं आपको थोड़ी बैंकिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके बैंक में इतना पैसा गया और आपने इतना खर्चा किया तो आपके पास कितना बचा। आई मीन सिंपल मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद गिब्स फ्री एनर्जी। सो हम लोगों ने अब तक के जो वीडियो सीरीज में देखा, हम लोगों ने देखा किसी भी एक केमिस्ट्री के बंदे के लिए, यानी एक केमिस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितनी स्पीड में होगा, और अगर हो रहा है तो क्या सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि कुछ रिएक्टेंट बचेगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा। सर, इस सारे क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसको कहा जाता है विल रिएक्शन बी पॉसिबल और नॉट, या जिसको मैं कहूंगा कि क्या मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि मेरा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा कि मुझे करवाना पड़ेगा। इसका आंसर देते देते हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था एनर्जी के क्राइटेरिया से। हम लोगों ने देखा था कि भाई एनर्जी शुड डिसाइड वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, एनर्जी कम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, बट पता चला बहुत सारे रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है वो भी स्पॉन्टेनियस है। तो इसी कड़ी हम आगे गए और हम लोगों ने आके जाके देखा कि नहीं सर, एंट्रोपी डिसाइड करेगा कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। एंट्रोपी बढ़ना चाहिए एक रिएक्शन में जब वो रिएक्शन होता है। हमने देखा बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां पे एंट्रोपी कम होता है फिर भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो सिर्फ एनर्जी और सिर्फ एंट्रोपी क्राइटेरिया नहीं हो सकता, कुछ और है। तो इसकी मदद करने के लिए हमारे पास कौन आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निकल के आया। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमारे लिए लाइफ को बड़ा सिंप्लीफाई किया और उसने कहा देखो भाई, आप सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी की बात मत करो, आप टोटल एंट्रोपी की बात करो। टोटल एंट्रोपी शुड ऑलवेज इंक्रीज। अगर टोटल एंट्रोपी अगर डिक्रीज होती है तो वो रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नाउ हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो सीरीज बनाया, आप चाहो तो उस वीडियो सीरीज को जाके देखो। नाउ क्वेश्चन अभी भी रह गया, क्वेश्चन ये रह गया कि सर अगर टोटल एंट्रोपी की बात करूंगा तो सिस्टम और सराउंडिंग की बात करनी पड़ेगी, और जब मैं सिस्टम और सराउंडिंग की बात करूंगा, मैंने मेरे लेबोरेटरी में अगर एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन किया तो क्या उस रिएक्शन की वजह से यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यह देखने के लिए इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। मैं कहूंगा ये पॉसिबल नहीं है। मेरे रिएक्शन में अगर हीट निकली, क्या वो हीट वहीं गई है क्या जहां से उसका एंट्रोपी बढ़ना चाहिए? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लुक इनटू द यूनिवर्स एंड से ओह यस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हैज इंक्रीज्ड, मेरे लिए इंपॉसिबल है ये। तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मेरे यूनिवर्स से रिलेटेड ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सिस्टम से रिलेटेड हो और जो मुझे ये बता सके कि हाँ मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, और वो यूनिवर्स की बात नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरे सिस्टम की बात करेगी। इसी को आंसर करते करते हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है जिनका नाम गिब्स है। उन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया, अ वेरी फेमस इक्वेशन। जिस इक्वेशन को लिखा जाता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर ये आपकी बुक्स में लिखा जाता है। मैं कहूंगा गिब्स फ्री एनर्जी विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर माइनस एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी। सर ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन आया कहां से, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है। हाँ, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, एंथैल्पी कमिंग आउट, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ा, प्लस माइनस करके, एंड देन समहाउ दिस इक्वेशन कम्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू डेरिवेशन, मुझे डेरिवेशन से लेना देना नहीं है, डेरिवेशन तो हम बाद में भी सीख लेंगे कैसा होता है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है। ये जो फॉर्मूला है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या कहता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सर ये समझने से पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड, या एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड पर यूनिट टेम्परेचर। यानी अगर मैंने 40 जूल्स का हीट एब्जॉर्ब किया है और वो 40 जूल्स के हीट से अगर मेरा एंट्रोपी चेंज हुआ है, और मैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हूं, सर प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पहला वीडियो देखिए एंट्रोपी, जहां मैंने एक्सप्लेन किया, जहां मैंने पूरे डिटेल में एंट्रोपी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मैं जैसे रिकैप दे रहा हूं, अगर मैंने 40 जूल्स का हीट एब्जॉर्ब किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब
per degree Celsius, that's nothing but 40 divided by 100, that comes out to be 0.4 joules per degree Celsius. Obviously, हम लोग यहाँ पे Kelvin लेंगे, that is the scientific notation जिसको हम usually SI unit में use करते हैं, degree Celsius हम नहीं use करने वाले. So, ये छोटा सा concept है जिसको आपको याद रखना है. Now, let me divide this whole stuff into four parts. क्योंकि मुझे अगर इस चीज को समझना है तो मेरे लिए चार टॉपिक्स को चार पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, मे बी और मुझे जरूरत पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. बहुत ध्यान से सुनना सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. सर इमेजिन करो मेरे पास एक सिस्टम है, आई हैव गॉट अ सिस्टम, पता नहीं है क्या है, कुछ भी हो सकता है. मान लो कि मेरा पहला ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, या तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, आप केल्विन ले सकते हो, मैं डिग्री सेल्सियस में लेके चल रहा हूं, या तो ये 600 डिग्री सेल्सियस पे होगा. मतलब मैं यहां कुछ रिएक्शन करने वाला हूं, पहला वो रिएक्शन मैं 100 डिग्री पे करूंगा, दूसरा मैं वो रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे करूंगा. लेट मी से ये जो भी रिएक्शन होगा इसमें हीट अंदर बाहर जो ट्रांसफर होने वाली है, लेट अस से वो 500 जूल्स का हीट अंदर बाहर ट्रांसफर होगा, तो मैं कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विल बी 500 जूल्स, सिंस इट इज गोइंग इनसाइड द सिस्टम इट हैज टू बी प्लस. ठीक है सर, 500 जूल का हीट अंदर गया. मान लो अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरा जो सिस्टम है उसका एंट्रोपी इंक्रीज हो गया है, उसका एंट्रोपी बढ़ गया है, और उसका चेंज इन एंट्रोपी जो है वो है 2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस. नाउ ये वैल्यूज मैंने बहुत जानबूझ के डिजाइन की है, इन वैल्यूज को निकालने के पीछे के रीजंस हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ब्यूटीफुली समझ सके. Now, जब मैं आपसे कहता हूं 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, मतलब सर उस सिस्टम ने क्या किया है, 500 जूल तो बाहर से लिया, यानी मैं एक सिस्टम में मैंने 500 जूल कहीं से लिया, और फिर मैंने क्या किया, मैं पर डिग्री सेल्सियस पे 2 जूल का एनर्जी खर्चा कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को एक्सपांड कर सकूं. ना प्रॉब्लम यह है 100 डिग्री पे अलग एनर्जी यूज होगा, 600 डिग्री पे अलग एनर्जी यूज होगा. क्योंकि सर आप समझने की कोशिश कीजिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ लाइक दिस. लेट अस से एट 600 डिग्री सेल्सियस एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस. सर अगर वो 600 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसने हीट कितना एब्जॉर्ब किया, सर अंदर जो हीट उसका गया वो कितना हो जाएगा, प्लस 500 जूल. पर सर अगर हीट उसने एब्जॉर्ब किया पर उसके बाद वो फैला भी तो है, अगर वो फैला है तो कितना हीट एब्जॉर्ब करके फैला है, सर 2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस उसने एब्जॉर्ब किया है, यानी हर डिग्री सेल्सियस पे उसने कितना एब्जॉर्ब किया है, 2 जूल. पर अब वो है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर वो 600 डिग्री सेल्सियस पे है और हर डिग्री सेल्सियस पे 2 जूल एब्जॉर्ब करता है तो ओवरऑल उसने कितना एब्जॉर्ब किया रहेगा, सर 6 × 2, सो दिस विल बी 2 × 600. पर सर प्रॉब्लम ये है उसने 600 जूल एब्जॉर्ब किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी में से 500 अंदर आया पर उसने 600 × 2 यानी 1200 का एनर्जी उसने यूटिलाइज किया, तो मैं क्या करूंगा, 500 अंदर आया पर उसने 1200 का यूटिलाइज किया, तो दिस विल बी प्लस 500 जूल्स माइनस 6 × 2 विल बी 1200 जूल, तो उसके पास बचेगा कितना, उसके पास माइनस 700 जूल का एनर्जी बच रहा है. बच रहा है नहीं सर, कम हो गया है, क्योंकि 500 अंदर आया पर 1200 उसने यूटिलाइज किया, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसके पास एनर्जी कितने से कम हुआ, 700 जूल से उसका एनर्जी कम हुआ. और अगर 700 जूल से एनर्जी कम हुआ इसका मतलब मेरा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, मेरा ये रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस. सर एक काम करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी करने की कोशिश करते हैं. सर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सर मान लो आपने आपने एनर्जी अंदर कितना डाला, सर अंदर तो एनर्जी 500 का गया पर उसने यूटिलाइज कितने का किया, सर हर डिग्री सेल्सियस पे 2 जूल का एनर्जी यूटिलाइज किया एक्सपांड होने के लिए, तो 100 डिग्री पे कितना किया रहेगा, टोटल एनर्जी कितना यूटिलाइज किया रहेगा, दिस विल बी माइनस 2 × इतने कितना हो जाएगा, 2 × 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस कितना हो जाएगा, 200 जूल. सो सर ओवरऑल मेरे पास अभी भी कितना बचा है, प्लस 300 जूल का एनर्जी मेरे पास बचा है. सर मुझे एक बात बताओ, आपने ये कैलकुलेशन किया कैसे, सर आपने क्या किया, आपने सिंपल मैथमेटिक्स किया कि कितना अंदर आया माइनस मेरे पास कितना बाहर गया, या कितना मैंने बाहर नहीं गया, मैं बोलूंगा कितना मैंने यूटिलाइज किया, मैंने कितना यूटिलाइज किया, ये आप कैसे निकाल रहे हो भाई, पर डिग्री सेल्सियस कितना यूज हो रहा था मल्टीप्लाई आपका टेम्परेचर कितना है, या तो यूटिलाइज हुआ होगा या तो प्रोड्यूस हुआ होगा, तो प्रोड्यूस हुआ होगा तो भी कैसे करोगे, कितना प्रोड्यूस हुआ पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय कितनी डिग्री सेल्सियस पे वो है, अगर प्रोड्यूस हुआ है तो मुझे उस ओवरऑल एनर्जी में ऐड करना पड़ेगा, और अगर वो यूज हुआ है तो मुझे ओवरऑल एनर्जी से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा डेल्टा एच क्या हो सकता है, मेरा डेल्टा एच प्लस माइनस हो सकता है, और माइनस या प्लस माइनस मेरा क्या हो सकता है, टी डेल्टा एस. सर देखो ये जो आप लिख रहे हो ना डेल्टा एच, ये डेल्टा एच आपका क्या है, डेल्टा एच आपका है हीट एब्जॉर्ब्ड
और हीट एब्जॉर्ब्ड, और यूं कह सकता हूं कि या तो कितना एब्जॉर्ब किया या कितना उसने ट्रांसफर किया, या मैं कह सकता हूं एमिटेड इन द सेंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या कितना हीट एमिट हुआ. तो मैं यहां लिख सकता हूं दिस विल बी बिटवीन सिस्टम एंड दिस विल बी बिटवीन सराउंडिंग. तो मैं डबल एरो के साथ डाल सकता हूं क्योंकि डबल एरो यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में जो मेरा हीट का एक्सचेंज हुआ है. अब समझ में, पर ये टी डेल्टा एस क्या है सर? सर ये टी डेल्टा एस का मतलब होता है हीट यूटिलाइज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ एंट्रोपी. सर एंट्रोपी चेंज करते समय आपने कितना हीट अब्सॉर्ब किया या कितना हीट आपने प्रोड्यूस किया. नाउ सर देखो, मैं इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकता हूं. मेरा पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा पहला फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एच वो पॉजिटिव हो सकता है, और ये डेल्टा एच मेरा क्या हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है या मेरा डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है. मेरा डेल्टा टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है या मेरा टी डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है. अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं इसका मतलब हीट अंदर आया है, हीट अंदर आया इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सा है, वो एंडोथर्मिक है. और अगर मैं नेगेटिव लिख रहा हूं इसका मतलब हीट बाहर गया है, इसका मतलब मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा. सर अगर मैं प्लस लिख रहा हूं टी डेल्टा एस को पॉजिटिव लिख रहा हूं, मतलब मैं अगर पूरे इक्वेशन में उसको ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब ऐड कर रहा हूं मतलब वो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी तो मुझे ओवरऑल एनर्जी में ऐड करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं क्या कहूंगा, एंट्रोपी हैज डिक्रीज्ड, या मैं कहूंगा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. सर अगर मैं माइनस लिख रहा हूं इसका मतलब एंट्रोपी हैज इंक्रीज्ड, या मैं कह सकता हूं वो क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है. सर ये जो है ना, ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है. आप क्या कर रहे हो, कितना अंदर आया है, कितना बाहर गया है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना यूटिलाइज हुआ है, आप इस पूरे जोड़ घटा करने के बाद आपको जो भी मिलता है, प्लस माइनस करने के बाद जो भी मिलता है, हम उसको कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी. तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी. सर अब एक चीज को ऑब्जर्व करो, यहां पर मेरा रिएक्शन 600 डिग्री पे है, 500 अंदर गया, यानी मेरा ये रिएक्शन क्या हो गया, मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया, मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, 500 अंदर गया. अरे पर सर 600 डिग्री पे यूटिलाइज कितने का हो गया, 1200 का एनर्जी यूटिलाइज हो गया. तो अंदर जो गया वो 500 था पर यूटिलाइज जो हुआ वो 1200 का था, इसलिए प्लस 500 माइनस 1200 माइनस कम्स आउट टू बी माइनस 700. सर ये जो माइनस 700 है ना, इसी को गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है. तो क्या मैं लिख सकता हूं, आपने जो थोड़ी देर पहले अभी पूरा कैलकुलेशन किया है जोड़ घटा करने का प्लस माइनस करने का, आप गिब्स फ्री एनर्जी को ही कैलकुलेट कर रहे थे. सर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या देखा, 500 अंदर गया पर यूटिलाइज सिर्फ कितने का हुआ, 200 का, पर गया अंदर कितना था, 500. तो आपने जो गिब्स फ्री एनर्जी निकाला है, डेल्टा जी जो निकाला है, वो कितना बचा है, सर 300 अभी भी बचा है. अगर ओवरऑल एनर्जी कम हो रही है, यानी आया कितना, गया कितना, यूज कितना हुआ, प्रोड्यूस कितना हुआ, ये सब जोड़ घटा करने के बाद अगर एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब मेरा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, मेरा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. और आप अगर देखो तो मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है पर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 600 पे. वहीं अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व करते हो, सर 100 डिग्री सेल्सियस पे यूटिलाइज कम हुआ है पर 500 अंदर आया है पर यूटिलाइज कम हुआ है, तो अभी भी 300 बचा है. इसका मतलब मेरा रिएक्शन इधर क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. तो सर अगर आप ऑब्जर्व करो, सर 100 पे भी वो एंडोथर्मी की है और 600 पे भी वो एंडोथर्मी की है, पर प्रॉब्लम ये है अगर एंथैल्पी फिक्स है, एंट्रोपी फिक्स है, तो रिएक्शन एक टेम्परेचर पे मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और दूसरे टेम्परेचर पे मेरा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी एक पे हो रहा है. सर इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे होगा पर लो टेम्परेचर पे नहीं होगा. सर आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप एक एरो डालते हो और एरो के ऊपर एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हो, जैसे हाइड्रोजिनेशन ऑफ एनी अल्कीन हमारा आर्गेनिकल यूज करते हैं और वहां में एक फिक्स टेम्परेचर लिखते हैं कि इसी टेम्परेचर पर करना. हाउ डज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले लोगों को ये समझता कैसे कि इसी टेम्परेचर पर कर, क्या उन्होंने रिएक्शन करते समय क्या 0 डिग्री से स्टार्ट किया रहेगा क्या? भाई हो सकता है, कोई रिएक्शन तो 1200 पे भी होते हैं, तो आप क्या 0 डिग्री से स्टार्ट करके 1200 तक जाते हो क्या और फिर पता चलो और वाह वाह 1200 पे होता है? नो सर, आप 1200 तक हर डिग्री पे करोगे, आप 0 डिग्री पे करोगे प्रोडक्ट बनाओगे कैरेक्टराइजेशन करोगे, 2 डिग्री पे करोगे प्रोडक्ट बनाओगे कैरेक्टराइजेशन करोगे, 5 डिग्री पे करोगे प्रोडक्ट बनाओगे कैरेक्टराइजेशन. सर इसमें तो पीएचडी करते करते सदियां बीत जाएंगी.
सो हाउ डू यू कम टू नो कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होने वाला है? आपको अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी पता है तो आप टेम्परेचर आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, सर किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा और किस टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मुझे उम्मीद है आपको इससे ये समझ में आया कि ये गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली है क्या, और गिब्स फ्री एनर्जी जो मैंने यहां लिखा हुआ है तो क्या मैं इसके आगे भी डेल्टा जी डाल सकता हूं? यस, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस प्लस और माइनस कब होगा वो मैंने आपको बता दिया है, कब डेल्टा एच को ऐड करना है, कब डेल्टा एच को माइनस करना है, कब टी डेल्टा एस को ऐड करना है, कब टी डेल्टा एस को माइनस करना है, दैट्स क्वाइट सिंपल। लेट्स मूव विद अनदर एग्जांपल। सर कंसिडर करो मेरे पास एक और सिस्टम है, और अभी जो मेरा सिस्टम है ये अभी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी अभी भी इसके अंदर डेल्टा एच का जो वैल्यू आया वो कितना है, प्लस 500 जूल। अभी भी ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, लेट्स से 600 डिग्री सेल्सियस पे। पर इस बार वो एक्सपांड नहीं, वो इस बार क्या हो रहा है, लेट्स से वो इस बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और अगर इस बार वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। व्हाई यू आर टेकिंग एंट्रोपी एज नेगेटिव, बिकॉज इस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना कि वो एक्सपांड हो रहा है। तो सर अब हमको पता करना है कौन से टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस है और कौन से टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सर एक सीधा सा काम करते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो चलो फटाफट बताओ अंदर कितना गया है। सर अंदर तो 500 जूल गया है, पर सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। सर अंदर भी आया है, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, तो हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर आई हुई हीट को और प्रोड्यूस हुई हुई हीट को ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे टोटल एनर्जी के बारे में पता चलेगा। तो 500 तो अंदर आया, प्लस आपने हर डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रोड्यूस हुआ है, हर डिग्री सेल्सियस पे 2 प्रोड्यूस हुआ है, और आप कितने डिग्री सेल्सियस पे हो, 600 पे, तो 2 × 600 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 500 + 1200 दैट कम्स आउट टू बी 1700। यानी सर आपका गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कितना आता है, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू प्लस 1700 आता है। सर क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? सर हो ही नहीं सकता ना। सर एक तो प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर से मैं बाहर से ले भी रहा हूं, मतलब मेरे पास ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज ही हो रहा है, सो मेरा ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आप अगर मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हो बड़ा आसान है, डेल्टा जी का वैल्यू आपका क्या था, प्लस डेल्टा एच, और एंट्रोपी क्या था, माइनस टी, पर एंट्रोपी किस में है, माइनस डेल्टा एस में है, तो आपका डेल्टा एच किस में रहेगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इनटू डेल्टा टी डेल्टा एस। सर आंसर जो भी होगा वो किस में आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव में आने वाला है, यानी रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परे, वो 600 पे है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सर 100 डिग्री सेल्सियस पे करने की कोशिश करते हैं, आपके पास गया कितना है अंदर, 500, पर आपने प्रोड्यूस कितने का किया है, सर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने पर डिग्री सेल्सियस पे 202 जूल का किया है, तो 100 पे कितना किया रहेगा, प्लस 2 × 100 दैट इज 500 प्लस 200 दैट कम्स आउट टू बी 700 जूल्स। यानी सर यहां पर भी डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो किस में है, पॉजिटिव में। बड़ा आसान था, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, प्लस डेल्टा एच, माइनस टी डेल्टा एस क्या है, माइनस डेल्टा एस, तो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। आंसर इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब सर लो टेम्परेचर रहने दो कि हाई टेम्परेचर रहने दो, मेरा रिएक्शन दोनों केसेस में क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आई कैन से माय रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सर एंडोथर्मी क्या, सर हीट अंदर गया है पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना सर, तो बड़ा आसान, आप ऐसे भी देख के बता सकते हो, हीट अंदर आया और कॉन्ट्रैक्ट भी, और दोनों केसेस में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे रहने दो कि लो टेम्परेचर पे रहने दो, मेरा रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस irrespective of whatever is the temperature. Mind it, ये endothermic है फिर भी non spontaneous है, और थोड़ी देर पहले हमने जब पढ़ा था तब वो endothermic था, पर एक केस में spontaneous था और दूसरे केस में non spontaneous था। Decide कौन कर रहा था, अगर enthalpy और entropy fix है तो depend करता है temperature क्या है। आप बहुत बार देखते हो, आपने एक एलिंगम डायग्राम भी एक देखा होगा, आपने जनरल प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा, वहां पे कुछ केसेस में वो नॉन स्पॉन्टेनियस और कुछ केसेस में वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और वहां पे हम क्या प्लॉट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को टेम्परेचर के वर्सेस प्लॉट करते हैं, बिकॉज अगर एंट्रोपी और एंथैल्पी फिक्स है तो गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर का वैल्यू क्या है। सर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल सॉरी, अब हम बात करने वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो था एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मानो मेरे पास एक सिस्टम है,
मेरे सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है। अगर मेरे सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है, लेट अस से डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, -500 जूल। लेट अस से वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, या लेट अस से वो 600 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है। एंड लेट अस दी एंट्रोपी बी +2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हेन एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, मतलब मेरा सिस्टम क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम एक्सपांड कर रहा है। अगर मेरा सिस्टम एक्सपांड कर रहा है तो बोलो 600 डिग्री पे क्या हुआ रहेगा, 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ रहेगा, और एट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ रहेगा। लेट मी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, बताओ फटाफट, लेट अप्लाई द मैथमेटिक्स। सर 500 बाहर आया तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू, बाहर कितना आया 500, तो दिस इज -500, पर यूटिलाइज कितना हुआ, यूटिलाइज 600 डिग्री पे है ना सर, क्योंकि वो एक्सपांड कर रहा है, तो उसने यूज कितना किया सर, 6 × 2 = 12, तो उसने यूटिलाइज कितना किया, प्लस sorry it will be utilized na, so this will be -1200, the answer comes up to be -1700 joules per 1700 joules, so Gibbs free energy over here is negative। sir thodi der mein batata hu, yahan aate hain 100 degree celsius pe kya karo, Gibbs free energy bahar kitna aaya, bahar 500 aaya, aur utilize kitna hua minus, kyunki usne utilize kiya tha, energy kam hua rahega, 100 into 2 this will be 200, answer comes out to be -700 joules। sir ऑब्जर्वेशन क्या है, सर ऑब्जर्वेशन ये है, एक तो एनर्जी बाहर गया 500 से चला गया, ऊपर से मैं फैल भी रहा हूं, सो इफ मेरा एनर्जी निकल भी रहा है और मैं एक्सपांड भी हो रहा हूं, यानी इन दोनों केसेस में मेरा एनर्जी कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा रहे कम रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, दोनों केसेस में मेरा एनर्जी कम ही होने वाला है, और अगर दोनों केसेस में मेरा एनर्जी कम ही होने वाला है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेम्परेचर दिस रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि आप देखो यहां -700 से हो रहा है और यहां -1700 से हो रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो थोड़ा कम स्पॉन्टेनियस रहेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो और ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, यानी यहां स्पॉन्टेनिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सच रिएक्शंस आर वेरी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। सर मैथमेटिकली करते हैं, डेल्टा जी का वैल्यू क्या था, डेल्टा एच -T∆S, डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच नेगेटिव था, तो -∆H -T, एंट्रोपी क्या है प्लस है, तो T∆S। सर देखो माइनस ऑफ माइनस, सर एट द एंड ऑफ द डे जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा ना, अब ग्रेटर नंबर साइन दोनों में से कुछ भी हो सकता है और दोनों में ग्रेटर नंबर साइन नेगेटिव के साथ है, तो आंसर इज गोना कम आउट इन नेगेटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। सर यहां पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच -T∆S, डेल्टा एच क्या था -∆S -T∆S, डेल्टा एच यानी चेंज, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर कुछ भी होगा पर आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेम्परेचर सच रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सर एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट बाहर आ रही है, एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सर ये मत समझना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने एंडोथर्मिक पढ़ा था और वहां पर भी स्पॉन्टेनियस था, तो सिर्फ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक पे डिपेंड नहीं करता। सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप समझ गए रहोगे मैं क्या लेने वाला हूं, एक्सोथर्मिक ही रखेंगे, यहां एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा था, अब हम एंट्रोपी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो मानो आपके पास एक रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है, कितनी बाहर निकल रही है, एंथाल्पी का वैल्यू है -500 जूल्स, और वो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड इफ द सिस्टम इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, लेट अस से इट इज एट 600 डिग्री सेल्सियस, एंड लेट अस से इट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड लेट अस डेल्टा एस का वैल्यू भी -2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, लेट अस क्लासीफाई इट एट 600 डिग्री सेल्सियस एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा फास्ट हूं प्लस प्लीज, बट प्लीज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 600 पे कैलकुलेशन करते हैं। सर यहां एनर्जी अब प्रोड्यूस होगा, अब स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वो डिपेंड करेगा कि बाहर कितना आया और प्रोड्यूस कितना हुआ, अगर बाहर ज्यादा आया और प्रोड्यूस कम हुआ तो ओवरऑल एनर्जी बाहर आ रहा है तो इट विल बी स्पॉन्टेनियस, अगर बाहर कम आया और प्रोड्यूस ज्यादा हुआ इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो करके देख लेते हैं, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो एट 600 -500 और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, आई होप व्हेन एवर एनर्जी इज प्रोड्यूस तो आई विल हैव टू ऐड ओवर देयर, मैथमेटिकली बाद में दिखाता हूं, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 × 2 दिस विल बी 1200, तो सर 500 बाहर गया पर प्रोड्यूस कितना हुआ 700, तो ओवरऑल एनर्जी कितने से इंक्रीज हो गया, सर प्रोड्यूस कितना हुआ 1200, तो ओवरऑल एनर्जी कितना हो गया 700 जूल से बढ़ गया, द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप समझ में आया,
सर मैथमेटिकली डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच नेगेटिव था, माइनस टी डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा? प्लस। सर अब आंसर प्लस में आएगा कि आंसर माइनस में आएगा डिपेंड करेगा एंथैल्पी ज्यादा है कि ये हीट ज्यादा है, दोनों में से जिसका ग्रेटर नंबर साइन होगा वो इधर आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहां पे ग्रेटर नंबर साइन किसका था? प्रोड्यूस ज्यादा हुआ था, बाहर कम जा रहा था, इसका मतलब आंसर विल बी इन पॉजिटिव। आंसर विल बी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, समझा? लेट्स गो एट 100 डिग्री सेल्सियस। सर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको करना तो एक काम करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी क्या होगा? सर बाहर कितना आ रहा है? 500, सो दिस विल बी माइनस 500, पर प्रोड्यूस कितना हुआ है? सो दिस विल बी प्लस, पर प्रोड्यूस कितना हुआ है? 100 डिग्री पे है ना, तो 2 इंटू 100 विल बी 2 इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 500 प्लस 2, दिस विल बी 200, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 300 जूल्स। मतलब सर गया 500 था पर प्रोड्यूस सिर्फ 200 हुआ है, तो ओवरऑल मेरा एनर्जी गया ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरा एनर्जी 300 से कम। सर यहां पे गया कितना था? 500, पर प्रोड्यूस कितना हुआ? 1200। मेरे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मेरा एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ वो 1200 से प्रोड्यूस हुआ, यानी ओवरऑल एनर्जी मेरा ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसलिए मेरा रिएक्शन क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं, तो मैथमेटिकली डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच यानी बाहर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस टी डेल्टा एस क्या है सर? नेगेटिव है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस, माइनस डेल्टा एच माइनस टी, माइनस ऑफ डेल्टा एस यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा एस पर यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। सो अब आंसर माइनस में होगा कि आंसर प्लस में होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों के ऊपर, आंसर माइनस भी हो सकता है और आंसर प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मेरा कौन सा वैल्यू ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आप अगर देखो यहां पे मेरा ये वाला वैल्यू कम है, मेरा ये वाला वैल्यू कम है, यानी मेरा नेगेटिव के साथ जो नंबर है उसका वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। सर इस केस में आंसर पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, आंसर पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर क्या है, यानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आने वाला है? मेरा आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि मेरा आंसर हाई होगा, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब ये वाला टर्म बढ़ जाएगा। अगर मेरा टेम्परेचर लो है तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? कम। तो आंसर किस में आएगा? मेरा आंसर जो आएगा नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। सर मुझे उम्मीद है कि ये चार एग्जांपल्स आपको जो लिए, इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं और टाइप ऑफ वेरिएशंस नहीं है, ये चार एग्जांपल से आपको समझ में आया एक्चुअली कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। अब एक काम करते हैं, मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम एक चार्ट बना देते हैं मैथमेटिकली कि क्या होता है एक्चुअली। तो सर अब हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली, गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमारे पास ये फॉर्मूला है, मैं यहां पे डेल्टा एच लिखता हूं, मैं यहाँ पे डेल्टा एस लिखता हूँ, मैं यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू लिखूंगा और मैं थोड़ा नजदीक लिख देता हूँ, दिस विल बी डेल्टा जी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वो स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा। पहला मान लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मान लेते हैं एक्सोथर्मिक है पर उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है, यानी एंट्रोपी क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, तो बताओ मुझे क्या होगा? सर गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, बरोबर। अब मेरा एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है, तो मेरा डेल्टा एच के इधर कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव। और मेरा एंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। सर अब टेम्परेचर कुछ भी रहने दो, सर टेम्परेचर हाई रहने दो कि टेम्परेचर लो रहने दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मेरा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, दिस वैल्यू इज ऑल्सो ए नेगेटिव वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो ए नेगेटिव वैल्यू। सो सर आंसर जो आएगा वो ऑब्वियसली किस में आने वाला है? वो आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। आई होप समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, लेट अस से मैं आपसे कहता हूं मेरा डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, यानी मैं नेगेटिव का मतलब मैं यहां लिखना चाहता हूं दिस इज एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, आई होप क्लियर है। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो आप वापस से मैंने जो रिएक्शन लिया वो भी मैंने क्या लिया है? दिस इज एक्सोथर्मिक, आई होप क्लियर है। सर इस बार मैं एंट्रोपी को पॉजिटिव नहीं, इस बार मैं मानता हूं कि एंट्रोपी नेगेटिव है, तो बताओ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? मतलब हीट बाहर भी जा रहा है, एंट्रोपी कम भी हो रहा है, यानी बाहर भी जा रहा है और प्रोड्यूस भी हो रहा है, बोलो क्या होगा? यानी डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा, यहां डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या होने वाला था? नेगेटिव। यहां डेल्टा जी क्या होगा? माइनस डेल्टा एच है, माइनस।
अब एंट्रोपी नेगेटिव है तो दिस विल बी टी इंटू डेल्टा एच, पर डेल्टा एच क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस डेल्टा एच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एच. अब आंसर नेगेटिव आएगा कि आंसर पॉजिटिव आएगा वो डिपेंड करेगा. तो अगर एनर्जी बाहर जा रहा है और अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस डिपेंड करेगा बाहर कितना गया प्रोड्यूस कितना हुआ. तो आंसर कैन बी नेगेटिव और आंसर कैन बी पॉजिटिव. तो बताओ कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा. अगर मेरा टेम्परेचर हाई है, अगर मेरा टेम्परेचर बहुत हाई है, डोंट यू बिलीव, ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. अगर ये पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में. तो मेरा आंसर पॉजिटिव में कब आएगा, एट हाई टेम्परेचर. आई होप समझ में आया. मेरा आंसर नेगेटिव में कब आएगा, जब मेरा टी का वैल्यू स्मॉल होगा, क्योंकि मेरा एच और एस तो फिक्स हो गया ना. जब टी का वैल्यू मेरा स्मॉल होगा तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई बाय समथिंग स्मॉल मल्टीप्लाई बाय समथिंग विल बी स्मॉलर. अगर ये पूरा का पूरा टर्म स्मॉल हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में. यानी मेरा आंसर कब आएगा नेगेटिव में, एट लो टेम्परेचर. बताओ स्पॉन्टेनियस कब होगा, सर स्पॉन्टेनियस विल बी एट लो टेम्परेचर. आई होप समझ में आया. सर अगली कंडीशन लेते हैं. सर अगली मेरी कंडीशन मेरे से ये कहती है, अब तक हम लोग एक्सोथर्मिक ले रहे थे, अब एंडोथर्मिक ले रहे थे, यानी डेल्टा एच का वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव. तो मेरे अगले केस में भी डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. पर पहले केस में एंट्रोपी को क्या मान के चलेंगे, एंट्रोपी को पॉजिटिव मान के चलेंगे. मतलब हीट अंदर भी आ रही है और एंट्रोपी बढ़ भी रही है. हीट आई पर एंट्रोपी बढ़ी, यानी हीट मैंने लिया पर मैंने यूटिलाइज किया. तो चेंज कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना अंदर आया और कितना यूटिलाइज किया. तो इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस. सो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा फॉर्मूला कहता है गिब्स फ्री एनर्जी विल बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. मेरा डेल्टा एच का वैल्यू आपने क्या प्लेस कर दिया, पॉजिटिव. सो दिस विल बी प्लस डेल्टा एच माइनस टी. डेल्टा एस का वैल्यू क्या है आपका, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये टर्म वैसे का वैसा रहेगा. अब आंसर प्लस में आएगा कि आंसर माइनस में आएगा, बिकॉज डेल्टा एच तो फिक्स है, डेल्टा एस फिक्स है. तो डेल्टा टी पे, यानी अब ये डिपेंड करेगा कि ये टर्म कितना है. अगर ये टर्म बड़ा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में. अगर ये टर्म छोटा है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में. मुझे उम्मीद है आपको जो मैं करके बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है. एंड क्योंकि इससे पहले मैंने एग्जांपल्स को सॉल्व किया, ये मैं मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो बोलो क्या हो जाएगा. सर देखो डेल्टा एच कितना है, पॉजिटिव है. अब ये टर्म छोटा कब होगा, ये टर्म छोटा जब होगा जब मेरा टेम्परेचर लो होगा. जब मेरा टेम्परेचर लो होगा तो ये मेरा पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, स्मॉल. अगर ये पूरा का पूरा टर्म स्मॉल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा. तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में. अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा, आंसर कैन बी इन नेगेटिव और आंसर कैन बी इन पॉजिटिव. बट पॉजिटिव में आंसर कब आ जाएगा, जब टी मेरा क्या रहेगा, स्मॉल. सो एट लो टेम्परेचर. आई होप समझ में आया. मेरा आंसर नेगेटिव में कब आएगा, जब ये पूरा टर्म बड़ा रहेगा. जब ये पूरा टर्म कब बड़ा रहेगा, जब टेम्परेचर बड़ा रहेगा. टेम्परेचर यानी हमारे एग्जांपल के हिसाब से 600 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा. तो दिस विल बी एट 600 अगर रहेगा तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा. यानी ये कब आएगा, एट हाई टेम्परेचर. सो दिस विल बी स्पॉन्टेनियस, दिस विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. आई होप समझ में आया. सर अगला केस लेते हैं, ये पॉजिटिव है और मान लेते हैं इसको नेगेटिव है. तो मेरा डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच ऑलरेडी क्या दिया है मैंने, पॉजिटिव. माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव. तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस. सर टेम्परेचर लो रहे कि टेम्परेचर हाई रहे, क्या फर्क पड़ता है, दोनों केसेस में आंसर के साथ क्या है, प्लस. तो मेरा आंसर यहाँ किस में आने वाला है, प्लस में. So my answer is gonna be in positive. Now this positive simply means non-spontaneous. This will be non-spontaneous at all temperature. Sir, ये जो मैंने आपको draw करके दिया है, this is something very important. मेरी आपसे request है कि please आप pause करके इस चीज को लिख लो, ये बहुत important है. So at the end of the day हमको क्या समझ में आया, at the end of the day हमको ये समझ में आया कि सर गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं है सर. एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि भाई आपको एक हिसाब लगाना है कितना अंदर आया, कितना यूटिलाइज किया, या कितना बाहर गया, कितना प्रोड्यूस हुआ. प्रोड्यूस हुआ इन द सेंस वो सिस्टम अपनी एंट्रोपी चेंज करते समय करता है, और अंदर बाहर मतलब मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, हीट कंटेंट एक्सचेंज विद माई सिस्टम एंड माई सराउंडिंग के बीच में जो हीट कंटेंट एक्सचेंज हुआ है. आप सिर्फ एक सिंपल हिसाब लगाओ. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, और प्लीज आप वर्बली करने की कोशिश करना और मुझे बताना कौन से टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है. फॉर एग्जांपल मैंने 500 जूल अंदर एब्जॉर्ब किया, आई एम एब्जॉर्बिंग 500 जूल, और मैं एक्सपांड हो गया, और एक्सपांड होते समय मैंने 2 जूल्स का एनर्जी यूज किया. बताओ मैं 600 डिग्री पे स्पॉन्टेनियस रहूंगा कि मैं 100 डिग्री पे स्पॉन्टेनियस रहूंगा. वेट अ सेकेंड, 500 अंदर आया यानी हीट बढ़ा, पर मैं एक्सपांड हुआ.
एक्सपांड हुआ यानी मैंने यूज किया रहेगा। अगर 100 डिग्री पे हूं तो 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, यानी एंट्रोपी अगर 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस है तो यानी मैंने यूज कितना किया रहेगा, 500 अंदर आया, 200 यूटिलाइज किया, बचा अभी भी 300 है। अगर 300 बचा है दैट मींस मेरा रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सेकेंड, अगर मैंने 500 एब्जॉर्ब किया है पर मैं 600 डिग्री सेल्सियस पे हूं और मैंने यूटिलाइज कितना किया पर डिग्री सेल्सियस 2 जूल्स एक्सपांड होने में, दैट्स कॉल्ड एज एंट्रोपी, तो ओवरऑल कितना यूटिलाइज किया रहेगा, 1200। सर 500 आया बट मैंने यूज कितना किया, 1200। सो मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है, एंड कितने से खर्चा कर दिया, 700 एक्स्ट्रा किया, यानी मेरा ओवरऑल एनर्जी क्या हो गया है, कम। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। सो द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। आई होप आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विथ गिब्स फ्री एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जब भी आप गिब्स फ्री एनर्जी को देखोगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एक सिंपल वर्ड्स याद रखना आप कि गिब्स फ्री एनर्जी, अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो अगर जीरो है इसका मतलब मेरा सिस्टम कहां पर है, इक्विलिब्रियम में है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।